हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो। टुडे वी लर्न अबाउट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग्स फॉर माय हॉबी, वी कैन से माय फेवरेट हॉबी। आज हम हॉबी के ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हॉबी होती क्या है, हॉबी का प्रोसेस सीखेंगे, हॉबी के डेटा कलेक्ट करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, एडिट करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। इन सब को करते हुए हम एक परफेक्ट, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल ऑन माय हॉबी पे लिखेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर है और लगभग हर तरह के एग्जाम में, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की हर एग्जाम में आता है। तो ये ओनली प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, स्पेशली स्पेशली उसके लिए है, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। साथ में मॉर्निंग वॉक का आर्टिकल भी है। यदि आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर और आपको ये समझ में नहीं आया है कि आर्टिकल लिखते कैसे, क्योंकि आर्टिकल नाम आने आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले क्या लिखें, मैं शुरू कैसे करूं, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए मैंने वहां बताया है कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखनी है, उसको आप जरूर देखें, उसके बाद इस चैनल को, वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यस, नाउ क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन माय फेवरेट हॉबी। ये कुछ भी आ सकता है, माय हॉबी पे भी सीधा आ सकता है, माय फेवरेट हॉबी भी आ सकता है, वो कुछ भी टाइटल हो सकता है, लेकिन हॉबी होगा। इन अबाउट, दिस इज अबाउट, नॉट अबाउट, इन अबाउट देयर इज अ मिस्टेक, अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स, ये वर्ड की लिमिट भी मिलेगी। अब आपने, आपके सामने टाइटल आ गया कि माई हॉबी पे लिखना है, तो जैसे ही आपके सामने टाइटल आएगा, उसमें से बड़ी समस्या ये है कि अब लिखें क्या, सबसे पहले क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, कौन सा टेंस यूज करूं, है ना। उसमें एग्जाम में बैठे हुए इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं, इतने रूल्स याद आ जाते हैं जो कभी ध्यान में नहीं थे। कभी सोचते हैं कि फ्यूचर में लिखा जाना चाहिए, कभी कहते हैं प्रेजेंट में, कभी पास्ट में। तो आर्टिकल अगर वर्ड कहीं भी आ जाए, देखो आर्टिकल, स्पीच, प्रोसेस राइटिंग, तीन चीजें जहाँ कहीं भी आ जाए तो वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी, क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सल, अच्छे यूनिवर्सल व्यूज देती है ना। तो हमें इस पे लिखना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने हैं। हॉबी में लिखना क्या, मैंने आपको बताया था, यदि आप कंपोजिशन सीखना चाहते हैं तो आप प्रोसेस राइटिंग सीखें, स्टोरी राइटिंग सीखें, और उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करने होंगे। डेटा के कलेक्ट किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप कम से कम 10 आर्टिकल में, 10 स्टोरी में मान लीजिए, या 10 कोई भी 10 कंपोजिशन में आपने इस ऑर्डर को फॉलो कर लिया, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी और आप ऐसा करने में समझ चुके होंगे। लेकिन ये इतना काम 10 तक आप ऑनेस्टली करें, यदि आप ऑनेस्टली नहीं करेंगे तो फिर आपको हमेशा करना पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ओके, तो हम डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। माई हॉबी, तो बताइए क्या होती है हॉबी, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, कमेंट लिखें, आई एम वेटिंग हियर, स्टार्ट राइटिंग। हॉबी होती क्या है, बस इतना बताएं। यस, कंटिन्यू, स्टार्ट, हाँ हो गया शुरू, कुछ बच्चों ने लिख के भेज दिया है। यस गाइस, कमेंट, हरी अप, यस लिखते थे, हाँ शाबाश। अब मैं बताता हूँ, हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, द टास्क दैट इज लाइकली टू डू, ऐसा कोई भी कार्य जिसे कोई भी आदमी करना चाहे, जो आपका पसंद का वर्क हो, उसे हॉबी कहते हैं। क्या कहते हैं, द टास्क दैट इज लाइकली टू डू, द टास्क दैट इज लाइकली टू डू, जो काम करना चाहते हैं। जैसे कुछ काम शौकीन के होते हैं, तो हर आदमी हमेशा शौकीन के काम नहीं कर सकता, उसे जॉब भी करनी पड़ती है। लेकिन जब भी आप फ्री होते हैं और उस समय जो आप कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य क्या होता है, हॉबी कहलाता है। आप अपने ओरिजिनल मूल वर्क के अलावा क्या करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं जॉब करने बाद में बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग जैसे अपने एंजॉयमेंट के लिए अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, कुछ लोग टीवी वॉचिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, कुछ लोग ड्रॉइंग करते हैं, अलग अलग काम है, क्राफ्टिंग करते हैं। तो
तो जो आपका पसंदीदा काम है उसे हॉबी कहते हैं। तो हम आगे और पढ़ते हैं इसमें, डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, डन इन लेजर टाइम, ये उस समय किया जाता है जब हम पर खाली समय हो, लेजर टाइम हो, खाली समय हो, फ्री टाइम हो। एवरीवन लाइक ही हैज हिज ओन हॉबी, सभी लोगों की अपनी अपनी हॉबी होती है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जिसकी हॉबी नहीं हो। आदमी कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहेगा, तो उसकी वो हॉबी होती है ना। हैज ए पीस ऑफ लैंड, अब यहाँ ये मैंने इसको सीक्वेंस में नहीं लिखा है, अब मुझे मैंने बात पहले लिख दी, लिखना चाहिए था कि मेरी हॉबी क्या है। अगर मेरी हॉबी गार्डनिंग है तो मुझे लैंड की जरूरत है। अब ये ध्यान रखें आप अपनी जो हॉबी बताएं, जैसे मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ है गार्डनिंग, स्विमिंग, फोटो कलेक्शंस, फार्मिंग, प्लेइंग, ये कुछ हॉबीज हैं, ठीक है, कुछ बहुत सारी हॉबीज हैं। और बहुत सारी हॉबीज हैं तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने गार्डनिंग सिलेक्ट किया है तो गार्डनिंग के लिए आपके पास गार्डन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठा बैठा ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरी गार्डनिंग हॉबी है और मैं गार्डन में घूमू, ऐसा नहीं, आपके पास होना चाहिए। आप जब भी फ्री होते हैं तो आप ये बताएंगे कि मैं वहां ये काम करता हूँ। यदि आपके पास स्विमिंग है तो आपके पास घर पे या आस पास में कहीं स्विमिंग पॉन्ड होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बेडरूम में हूँ और स्विमिंग की बातें सोच रहा हूँ या टीवी पे स्विमिंग देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो कलेक्शन है तो आपके पास फोटो के लिए कैमरा होना चाहिए, आप जगह जगह विजिट भी करें, है ना। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी इनका कोई रिलेवेंस रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं, माई हॉबी इज गार्डनिंग, है ना। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा था पीस ऑफ लैंड वाला, ये एक्चुअली इसके बाद आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डेटा कलेक्ट करते समय आप आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं, बाद में आपको इन पर नंबरिंग करना है। जैसे इसको सबसे पहले लिखना है ना, इसको 2 नंबर पर लिखना है, इस पे आप बाद में नंबरीकरण करें, इसे बोलते हैं एडिटिंग करना, है ना, अरेंजिंग करना, एडिटिंग करना। जिस पे मैं कहता हूँ 3 पे लिखना है तो इस तरह से बाद में किया जाता है, कैसे हो गया। आगे मैं कह सकता हूँ ग्रोन मेनी प्लांट्स एंड वेजिटेबल, यदि आपकी हॉबी गार्डनिंग है तो आपने क्या कर रखा है, आपने काफी सारे प्लांट लगा रखे होंगे, वेजिटेबल लगा रखी होगी, है ना। जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप क्या करते हैं अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, हॉबी है तो आपको कुछ आनंद का काम करना चाहते हो, कुछ विशेष काम भी करने होंगे, तो आप कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, चलो तो ठीक, अच्छी बात है। फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आप ये भी कह सकते हैं कि गार्डनिंग में जाता हूँ सुबह जल्दी उठता हूँ तो वहां जाकर के फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, तो इनको सिक्वेंस में जोड़ें। आप वहाँ योगा भी करते हैं, गिव्स मी एनर्जी एंड कीप रिफ्रेश। अब ये हो सकता है कि जब आप वहाँ योगा करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है आपको, तो आप कह सकते हैं कि मुझे एनर्जी मिलती है और मैं रिफ्रेश रहता हूँ, है ना। तो फिर कोई कह सकता है कीप मी हेल्दी एंड फिट, मुझे स्वस्थ भी रहता हूँ, है ना। लाइकली लाइक माई हॉबी वेरी मच, मैं मेरी हॉबी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अब कोडर को फॉलो करना, मैंने कम डेटा लिखे हैं, आप और भी ज्यादा डेटा लिख सकते हैं, लेकिन सब डेटा ऐसे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात लिखने, क्योंकि हमें क्या करना है एग्जाम में इसको लिखना भी तो है ना, अगर ज्यादा टाइम डेटा कलेक्टर में लगाएंगे तो लिखने में ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो कुछ डेटा हम लिख लें, कुछ तब हम इसको इसको लिखेंगे ना सेंटेंसेस में तो अपने आप ही हमारे दिमाग में आने लग जाएगा, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक लेंथ से, एक फ्लुएंसी से लिखना है, लिखोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। सो अब हम कोडर फॉलो करना है, कोडर का मीनिंग मैंने पहले आपको बताया है, सी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें, ऑर्डर, फिर उनको सिक्वेंस में 1 2 3 लिखें, ड्राफ्ट करें, उनको राइट करें, पैराग्राफ में लिखें, अगर कहीं आपको कमी लग रही है तो उसे एडिट करें और फिर उनको रीअरेंज करें, इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। इसके लिए मैंने आर्टिकल राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग में सबसे पहला वाला जो वीडियो है वो हाउ टू राइट एन गुड आर्टिकल, हाउ टू राइट एन प्रोसेस में ये चीजें बताई है कि कोड क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, उसके बाद क्या लिखना होता है, ये नहीं कि सिर्फ हम हमारी हमारी प्रशंसा करते रहें, हमें सब तरह की चीजें लिखनी है। आप अगर यहाँ हॉबी का लिख रहे हैं तो आप हॉबी के बारे में पहले बताएंगे, फिर आप अपनी हॉबी बताएंगे, फिर आप दुनिया से क्या चाहते हैं, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने मेट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो भी आप नीचे लिखें, जिससे कि एक प्रॉपर सिक्वेंस बने। ऐसा नहीं कि आपके पास जो हॉबी है उसके बारे में आप लिख लिया छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। आपकी हॉबी से लोगों को क्या महत्व है, लोग क्या क्या मतलब उनको, आप उसे क्या सीखते हैं, आपको क्या प्रॉफिट है, मैसेज के तौर पर आप उसमें लिखें, तब जाकर के समझ में आएगा। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आर्टिकल हम लिखते हैं तो आर्टिकल हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान दें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी
या हम इसकी जगह कभी कभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में एस या ईएस लगा देना। जैसे हम अभी पढ़ेंगे होबी मींस, ये देखो एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। होबी का मतलब होता है, इसका मतलब हिंदी में बहुत आराम से बताऊंगा इसे। होबी का मतलब होता है क्या? अ टास्क दैट इज लाइकली टू डू व्हेन एवर वी आर फ्री, है ना। होबी का मतलब होता है कोई भी कार्य जिसे हम करना चाहते हैं व्हेन एवर वी आर फ्री। ये प्रेजेंट टेंस आर, ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया, क्योंकि आर के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, एक नाउन के तौर पे है फ्री, है ना। यहाँ भी इज क्या है? डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि ये लाइकली वर्ड आ गया है और टू भी आ गया। ये फॉर्मेट अलग है, इज के बाद में देखो टू आया है, इसको भी मैं एक दिन आपको और समझाऊंगा। ये एक अलग तरह का फॉर्मेट होता है इज एम आर वोज वर्ब में, इसको मैं एक दिन समझाऊंगा। इसका अलग मीनिंग होता है, फ्यूचर को रेफरेंस करता है, एक दिन वीडियो बनेगा इसका। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वी कैन, ये तो मॉडल वर्ब है, से दैट, से द टास्क, टास्क मतलब कार्य होता है, दैट इज डन इन लेजर टाइम, तो फ्री समय में किया जाता है। जब भी हम फ्री होते हैं और जिस फ्री समय हम जो कार्य करते हैं वो हॉबी कहलाता है, कुछ भी हो सके। मैंने कह दिया जैसे आपका मूल कार्य कहीं आप सर्विस करते हैं, है ना, आपको कोऑपरेट ऑफिस में टीचर हैं, तो जब भी आप फ्री होते हैं, संडे होते हैं, छुट्टी होती है, सुबह शाम आप क्या करते हैं, है ना, तो वो ही हॉबी कहलाती है। हॉबी मैक्स, देखो प्रेजेंट टेंस, ध्यान इस पे दें क्योंकि ज्यादा समस्या ये आती है, आप वोज वर्ब के ज्यादा फेमिलियर होते हैं या इज एम आर के ज्यादा होते हैं, बाकी वर्ब कम आती है ना, तो मैक्स हॉबी बनाती है। द वन बिजी, कोई भी आदमी को बिजी रखती है, मैक्स का मतलब यह रखना भी हो सकता है ना, हमें बिजी रखती है क्योंकि अदरवाइज तुम काम नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे। देर आर मेनी हॉबीज, नहीं यहाँ रह गया, अपार्ट फ्रॉम जॉब, जॉब के अलावा वन कैन डू दिस मोस्ट लाइक्ड वर्क, इज मोस्ट लाइक्ड वर्क, जॉब के अलावा कोई भी आदमी सबसे पसंदीदा काम कर सकता है ना। एवरीवन हैज हिज ओन हॉबीज, सभी लोगों की अपनी अपनी हॉबीज होती है। देर आर मेनी हॉबीज लाइक काइट फ्लाइंग, है ना। अब देखें यहाँ पे थोड़ा, काइट फ्लाइंग, गार्डनिंग, स्विमिंग, फोटो कलेक्शन, फार्मिंग, प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग डिस्कवरी चैनल्स, ज्योग्राफी चैनल्स, इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब चैनल्स, लाइक, ऐसे बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। अब इनमें से आपको ये को चूज करनी है जो आपकी वास्तव में हॉबी है, इसे वास्तविक रूप में माने। आप अपने घर पर आपकी जो भी हॉबी है उसको आप हमेशा फॉलो करते हैं, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इनहेरेंट होती है, जिसकी जो हॉबी है वो ही काम करेगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं विद फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब, ये हो गया पूरा हमारा। आई हैव माई हॉबी दैट इज गार्डनिंग, अब आपको एक्चुअली माई फेवरेट हॉबी यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि टाइटल का नाम क्या है, माई फेवरेट हॉबी, ये तो हॉबी का इंट्रोडक्शन है। अदरवाइज 120-150 वर्ड बनेंगे नहीं बनेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, जब भी आप लिखेंगे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो गुड लुकिंग देने के लिए हमें उसके महत्व को समझाना है पहले, उसकी जरूरत को, उसके नीड को हमें एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको अपनी हॉबी लिखनी है। तो यहाँ हॉबी, आई हैव माई हॉबी दैट इज गार्डनिंग, मेरे पास एक हॉबी है, मेरी एक हॉबी है जो गार्डनिंग है ना, जो भी है, आप अपनी हॉबी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो हॉबी है उसके रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपकी फोटो कलेक्शन है या फोटो स्नैचिंग है या फोटो पिक लेने की है तो बस कैमरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैमरा नहीं है तो फिर क्या करोगे। जैसे यहाँ है गार्डनिंग है तो क्या है, आई हैव ए पीस ऑफ लैंड, गार्डनिंग है तो आपके पास गार्डन होना चाहिए, गार्डन हमेशा लैंड पर लगता है, गार्डन में लगता है, बिहाइंड माई हाउस, कहाँ पे कह रहे हैं, घर के पीछे ही है। देर आई हैव ग्रोन मैनी प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, वहां पर मैंने खूब सारे प्लांट्स और वेजिटेबल बता रखे, आप मुझे इसके बारे में बताएं, अभी कमेंट करके बताएं। हैव ग्रोन, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था किस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ हैव क्या है और ग्रोन क्या है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या फंक्शनल है, शहबाज कमेंट आने शुरू हो गए हैं। एफ और डी लिखें, मैं देखता हूँ क्या होता है। एफ मीन्स फंक्शन, डी मीन्स डिस्क्रिप्टिव, हाँ शाबाश, गुड, आ रहे हैं कमेंट, आने लग गए हैं, वेरी गुड, हाँ शाबाश, हाँ काफी बच्चों के सही भी आ रहे हैं। ओके आप देखें, आई हैव या हेल्पिंग वर्ब, ग्रोन या थर्ड फॉर्म है, ये फंक्शनल सेंटेंस है, हैव ग्रोन फंक्शनल सेंटेंस है ना। मैंने प्लांट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ लिखने वाला या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें मैंने वेजिटेबल और प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि हॉबी है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसके लिए क्या होता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो देयर, मैं वहां जाता हूँ।
देर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, सबसे पहले मैं योगा करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ. द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेक्स मी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ माई हॉबी. जब भी मैं सुबह जाता हूँ तो फूलों की सुगंध जो होती है फ्रूट्स की, वो मुझे एहसास करवा देती है कि मेरी हॉबी बहुत अच्छी है और मुझे हॉबी करनी ही सही. आपको अपनी हॉबी का बहुत इंपॉर्टेंस देना है ना, बताना है. तो इसीलिए हमेशा बढ़िया हॉबी चूज करें, काइट फ्लाइंग या कुछ हॉबी जैसी होती है उनको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए. देन आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा आई डू सम वर्क इन गार्डन. फिजिकल एक्सरसाइज योगा के बाद मैं कुछ वहां काम करता हूँ, जैसे गार्डन है तो गार्डन में कुछ काम करना पड़ता है. देर आई प्रून देम. प्रून का मतलब क्या होता है, डू यू नो प्रून? यस प्रून. प्रून का मतलब होता है जो गार्डन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रून करना, वो अगर वो ज्यादा बड़े हो गए तो काट देना है ना, उनको एक गोल बनाना या एक दिग-दिग वे में बनाना. एक तो प्रूनिंग, प्रूनिंग करने का मतलब होता है उनकी छंटनी करना, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है उनको हटा देना है ना, प्रून करते हैं. तो उत्तर कहता है कि मैं वहां को प्रून करता हूँ. एंड वाटर देम, यहाँ वाटर का मतलब वर्ब है, मैं उनको पानी भी पिलाता हूँ, पानी देता हूँ. रिमूव वीड्स फ्रॉम द बेड्स. बेड्स का मतलब जो क्यारियां फूलों की है उनमें वीड को हटाता हूँ. आई टेक केयर ऑफ ऑल प्लांट्स, मैं सभी प्लांट्स को चेक करता हूँ. आई सिट देयर फॉर आवर्स, वो घंटों तक मैं वहां बैठा रहता हूँ. एंड लिसन म्यूजिक देयर, वहां म्यूजिक सुनता हूँ. सब कुछ ये नहीं कि आप अपनी हॉबी के बारे में बता दें, अपने बारे में बताएं आप अपनी हॉबी से किस तरह से आनंदित हैं, आप उसे क्यों करते हैं, आपको उसमें क्या फायदा है, ये सब चीजें हमें बतानी है ना. इट गिव्स मी एनर्जी, इससे मुझे एनर्जी मिलती है. कीप्स मी रिफ्रेश थ्रू द डे, मैं पूरे दिन रिफ्रेश रहता हूँ. अपने बारे में सब तरह के फॉलो करें. देखो आपकी हॉबी थी, आप सुबह जल्दी उठे, गार्डन में एक्सरसाइज की, फिर आपको क्या फायदा है, आपने गार्डन में क्या किया, ये सब चीजें हमने वन बाई वन बताई है. इसमें प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, मैं भी बताता हूँ आपको. जैसे सबसे पहले गेट, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ डू आता है ना. फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं डू, ये देखो ये फर्स्ट फॉर्म है. फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स मैक्स फर्स्ट फॉर्म है ना. देन डू फर्स्ट फॉर्म वापिस आ गई है, प्रून फर्स्ट फॉर्म आ गई है, रिमूव फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना, और टेक के टेक्स टेक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सिट फर्स्ट फॉर्म आ गई है. तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करती है. यहाँ डू इसलिए आया फर्स्ट फॉर्म क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू आता है. डू का मतलब वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा. ओके आगे हम पढ़ते हैं. आई सप्लाई इट, आई का मतलब इट होगा, देखेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़ें. इट सप्लाईज होगा, यहाँ एस लगेगा, यहाँ एस न लगेगा. आई ई और एस, ये प्लूरल सिंगुलर बनेगा, ध्यान दें. बाय मिस्टेक ये कुछ अलग तरीके से लिखा गया है. इट सप्लाईज मी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इट का मतलब ये गार्डन हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट देता है. भाई आपकी हॉबी से आपको कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, है ना. जैसे आप काइट फ्लाइंग को अगर चूज करते हैं तो काइट फ्लाइंग का चूज करने का मतलब है कि आपको तो आप उसे हासिल क्या करते हैं, आप तो टाइम पास करते हैं, प्रॉफिट कहाँ है ना. दैट इज कंज्यूम्ड इन माई होम. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आप लेके आते हो आपके घर में काम आता है. फ्रॉम देयर आई एंजॉय ग्लोरी ऑफ राइजिंग गार्डन, से मैं राइजिंग सन को देखता हूँ. चीपिंग ऑफ बर्ड्स अट्रैक्ट मी टू स्टे देयर लॉन्गर. पक्षियों की चहचहाट मुझे और वहां ज्यादा रुकने के लिए आकर्षित करती है. आई फील रिफ्रेश्ड. आई कीप आई नहीं हो गई, इट होगा. इट कीप मी हेल्थी, ये मुझे स्वस्थ रखता है. और जब ये इट हो गया तो ये किप्स होगा. हाँ इट किप्स तो पहले से है. इट कीप्स मी हेल्थी एंड फिट, ये मुझे हेल्थी और फिट भी रखता है. आई कलेक्ट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर माई होम एंड यूज देम. इट इज बेनिफिशियली बेनिफिशियल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिकली. फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, इसके साथ साथ मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है. देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू माई ऑफिस, फिर मैं मेरे ऑफिस चला जाता हूँ. आई लाइक माई हॉबी वेरी मच, मैं मेरी हॉबी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. आस्क समवन टू हैव देयर हॉबी, और मैं सब लोगों से कहता हूँ कि अपनी अपनी हॉबी होनी चाहिए. वर्क इन देम एंड एंजॉय लाइफ, और उनके साथ काम करें और एंजॉय करें. अब हॉबी के बारे में समझें, जीवन में हॉबी होना बहुत जरूरी है. जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज है उतने कम आपकी हॉबी है. यदि आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं इट मीन्स आपकी हॉबी है ही नहीं. ये चीजें आपको प्रभावित करती है. जब भी आप इंटरव्यू देते हैं आरएएस आईएएस बैंक का जब भी, तो वहां इन चीजों पर डिस्कशन ज्यादा होता है. तो आप अपनी हॉबी के बारे में पहले से आइडिया बना करके रखें.
अभी से सोचना शुरू करें और एक चीज पे सोचें, क्योंकि वहां क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत साधारण पूछेंगे लेकिन आपका आंसर है ना आपको फंसा देगा, क्योंकि आप वास्तव में आपकी हॉबी नहीं है तो आप गलत बताओगे, तो गलत लोग उसका अगला वाला स्टेप पूछ लेंगे। जैसे आपने कहते गार्डनिंग है, तो कहते हैं सर आपने गार्डन में कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं, चलो तो आपने एक आध प्लांट का नाम भी बता दिया, तो लेकिन पूछ लेंगे सर विंटर सीजन में कौन सा प्लांट लगता है, तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कौन सा फ्लावर और कौन सा प्लांट तो विंटर सीजन में लगता है और कौन सा स्प्रिंग सीजन में लगता है। तो हॉबी वास्तव में हमें उसी हॉबी को शेयर करना चाहिए जो हमारी है, नहीं है तो हमें क्लियरली कह देना चाहिए हमारी हॉबी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर यदि हम झूठ बोलते हैं इट मीन्स हम सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं, और सामने वाला हमसे मूर्ख कभी नहीं बनता, इसे उसे गुस्सा आता है, तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं आता है सॉरी। ओके तो जितना आदमी जितना स्टूडेंट ज्यादा होशियार होगा, जितने ज्यादा मार्क्स अगर आते हैं उसकी हॉबी कम होगी, क्यों? क्योंकि अगर वो 90% ला रहा है इट मीन्स अपने फुल टाइम का 90% टाइम वो स्टडी में दे रहा है, 10% टाइम है जो उसके आवश्यक एक्टिविटी में निकल जाता है, नाना धोना खाना खाना में निकल जाता है। यदि आपको 60% आ रहा है तो आपके पास 40% टाइम पड़ा है, उसमें से कम 20% तो कोई ऐसे काम में यूज करते होंगे जो आपको आपसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्री होते हैं तो हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? तो अगर पसंद करते हैं जिसमें आपकी हॉबी है, तो जितने कम परसेंटेज हैं उतनी ही आपकी हॉबी स्ट्रोंग है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपकी परसेंटेज कम बन रहे हैं तो आप अपनी हॉबी के बारे में आइडियाज को डेवलप करके रखें और फिक्स आंसर रखें, जैसे आपसे इसी गार्डनिंग को ही बना लें। अब गार्डनिंग मैंने कब लिखा है लेकिन इसमें वर्ड लिमिट थी, तो आप अगर अपनी हॉबी गार्डनिंग बनाना चाहते हैं तो गार्डन के बारे में जानकारी लें, किस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं, किस तरह के फ्लावर होते हैं, है ना, फ्लावर से क्या क्या प्रॉफिट होता है, आप अपने घर में क्या काम में लेते हैं, ये सब कुछ हमें करना है। तो आई एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, आई थिंक यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रही हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन रहा हो, तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।